आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नोटिफिकेशन जो 12/7/2022 का है। यह बेसिकली आप लोगों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या गार्जियंस के लिए नहीं है, फिर भी व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह के सर्कुलर्स घूमते रहते हैं और जेन्युइन जो नोटिफिकेशन है वो आता है, जिसके कारण स्कूल स्टूडेंट्स को बताता है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको मैं बताता हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें की सारी बातें आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो में सारी बातें नहीं बताऊँगा इस नोटिफिकेशन का, केवल एक ही चीज़ बताऊँगा जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में क्लास 9 के लिए। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स इस बार क्लास 9 में हैं, मतलब क्लास 8 से 9 में प्रमोट होके आ गए हैं, उनके लिए 27/2022 के जुलाई महीने में कैंप करके बोर्ड ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है, ब्लैंक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, ताकि जो स्टूडेंट्स एकेडमिक सेशन 2022 में क्लास 9 में हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाए। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो स्टूडेंट्स क्लास 9 में हैं उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, उनके लिए स्कूलों को फॉर्म 27 जुलाई को दे दिया गया है। अब स्कूल अपने सुविधानुसार, 27 तारीख को मिला है तो अपने सुविधानुसार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेगा। यह मान के चलिए कि बहुत सारे स्कूलों ने शुरू कर दिया है, करने के प्रोसेस में हैं, कुछ आने वाले 8 अगस्त से शुरू करने वाले हैं। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखिए, अगर कोई बच्चा अभी तक एडमिशन क्लास 9 में नहीं लिया है तो एडमिशन ले लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो वे प्रमोट अगर हो भी जाएं तो क्लास 10 में जाकर भी 2024 में माध्यमिक की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा के रख लीजिए। तो रह गई बात कि कब तक यह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता रहेगा, तो इसी नोटिफिकेशन में क्लियरली बता दिया गया है कि 27 और 28 सितंबर को कैंप फिर बोर्ड करेगा और उस कैंप ऑफिस में स्कूलों को फिलअप किया हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर जमा करना है। और इन केस कुछ इस तरह का कोई फॉर्म अगर बच जाता है, जमा नहीं हो पाता है, या कुछ कारणवश जेन्युइन कारणवश नहीं हुआ है, तो उसके लिए नीचे में बोला गया है, देख पा रहे होंगे आप, 31 दिसंबर 2022 तक लेट फाइन के साथ में जमा करना पड़ेगा रीजनल काउंसिल ऑफिस में। तो आप दिसंबर का वेट मत कीजिए, सही से जब स्कूल आपको बोलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस समय जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन में आपको क्या लगेगा उसकी बात मैं बता देता हूँ। आपको स्कूल ज़रूर बोलेगा कि एक फ़ोटो लेके जाना होगा, किंतु मैं सजेस्ट करूँगा आप कम से कम 2 ब्लैक एंड वाइट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाइएगा, जिसके बैक में अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन लिख कर उस फोटो को ऑफिस को दीजिएगा। ऑफिस उस फॉर्म में आपका फ़ोटो को चिपका देगा और फ़ोटो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा एक सप्ताह के भीतर का फ़ोटो हो, पुराना फ़ोटो नहीं लेकर जमा कीजिएगा। साथ में रजिस्ट्रेशन का कुछ फ़ी होता है जो स्कूल वाइज 5-10 रुपया वेरी करेगा, वह डिपेंड करता है, आप उसको जान लीजिएगा और उस हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करने जाइएगा। स्कूल में ही होगा, आपके ऑफिस में ही होगा, या फिर स्कूल ऑफिस सुविधानुसार आपके क्लासरूम में रजिस्ट्रेशन कराएगा, जैसे पहले होते रहा है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि आप अपना नाम का स्पेलिंग, माता पिता का स्पेलिंग, गार्जियन का स्पेलिंग, ये सारे जो डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ, इन सारे डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, मिस्टेक्स होने की चांस कम रहती है। फिर भी आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके साथ मिलाकर देख लीजिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ
काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना था आपको, इसलिए इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। आप समझ गए होंगे, फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, कारी लेकर आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।